कोलाहल और बेचैनियां खत्म हो चुकी हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और इसके साथ ही बीजेपी 19 राज्यों में सत्ता पे आ चुकी है। गुजरात में बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस को 80 सीटों से संतोष करना पड़ा। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत भले ही हार से हुई हो, लेकिन क्या ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व की जीत है, ये अलग चर्चा का विषय है। बात जब चुनाव नतीजों की हो रही है तो आइए जरा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सत्ता को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। और बात जब चुनाव प्रचार की हो रही है तो जरा याद कीजिए कि कैसे विकास को पागल बताते हुए चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई और अंत तक इम्पोर्टेड मशरूम तक आ पहुंची। जनता के लिए पूरा इंतजाम किया गया था, जनता बस वोट दे दे, भाषण सुन के दे दे, गाना सुनकर दे दे, नाच देख कर दे दे, नाटक देख कर दे दे, बस वोट दे दे। चर्चा चुनाव आयोग के भूमिका पर भी होगी कि कैसे चुनाव आयोग मौन बना रहा और क्या क्या हुआ। जीत भले ही बीजेपी की हो, लेकिन चर्चा कांग्रेस की भी होगी कि कैसे एक ऐसी पार्टी जो कभी गुजरात में कुछ हुआ भी नहीं करती थी, उस पार्टी ने बीजेपी को नाको चने चबवा दिए।